भाजपा सरकार की नीतियां किसान और युवा विरोधी हैं, नरेंद्र सिंह। सपा प्रदेश सचिव बनने के बाद नरेंद्र सिंह का पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रयागराज, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह का शुक्रवार को जॉर्जटाउन पार्टी कार्यालय पर जमुना पार इकाई द्वारा जोरदार स्वागत समारोह किया गया। अपने स्वागत से अभिभूत नरेंद्र सिंह बड़ी संख्या में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकारों की डबल मार झेल रहे लोग अब सपा मुखिया अखिलेश यादव के शासनकाल को याद कर रहे हैं। सपा नेता ने प्रदेश और देश की भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों ने किसानों और युवाओं के साथ छल किया। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां गरीब, किसान और युवा विरोधी हैं। भाजपा की तानाशाह सरकारों द्वारा किए जा रहे वादा खिलाफी के विरोध में जनता को आवाज उठानी होगी। अच्छे दिन और सुशासन का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं। अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई नीतियों के चलते जनता महंगाई की मार झेल रही है। गरीब और मध्यम वर्ग को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश में अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। श्री सिंह ने पदाधिकारियों से अपील किया कि सभी लोग मिलकर पार्टी की नीतियों एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा सपा सरकार के दौरान जनहित में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं तथा भाजपा सरकार में हो रही जातियों के खिलाफ आवाज उठाएं। जरूरत पड़ने पर आमजन के साथ सड़क पर उतरें और जनता की भलाई के लिए संघर्ष करें। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष जमुना पार पप्पू निषाद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और कहा कि नरेंद्र सिंह को प्रदेश सचिव बनाने से प्रयागराज खासकर जमुना पार को सांगठनिक बल मिलेगा। संचालनी जगदीश यादव ने किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष यमुना पार पप्पू लाल निषाद, श्रीमती सत्यभामा मिश्रा, इंजी जगदीश यादव, दान बहादुर मधुर, जय शंकर भारतीय, राम निरंजन विश्वकर्मा, कृपा शंकर बिंद, आर एन यादव, राजेश पांडे, दिनेश पटेल, छोटेलाल शर्मा, गुलाब कली आदिवासी, गीता भारतीय, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, अर्जुन सिंह पटेल, शिवम सिंह, केशव विश्वकर्मा, विजय बहादुर पटेल, सारिका यादव, इंजी सुशील पांडे, मोनियाज, शिव नारायण पटेल, पंकज कुमार संकटा सिंह, शिशिर मिश्रा, रंग बहादुर, राम सिंह आदि सहित कई पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। ये बैठक रखी गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फाड़ फेंकने के, जो जनता के साथ छलावा कर रही है, छलावा करके वोट लेती है, छलावा करके शासन चलाती है, छलावा करके लोगों का सिद्धांत, लोगों का चाल चलन, लोगों का आचरण, लोगों का धर्म, लोगों का मजहब बदलती है या बदलने पर मजबूर करती है, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी की ये बैठक इलाहाबाद जमुना पार इकाई और इसी तरह की बैठकें पूरे प्रदेश में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में भी कोशिश कर रहे हैं कि समाजवाद को लोग जानें, समाजवाद की सिद्धांत और विचारधारा को लोग समझें और ताकि पूरी ताकत और पूरे मनोबल के साथ आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 14 में अकड़ कर आई थी उसी तरह से सिकुड़ कर चली जाए। पर्चे बता दीजिए। नरेंद्र सिंह को पद दिया गया है, क्या है ये और किस तरीके से लोगों को करेंगे आप? आज जो हमें पार्टी की तरफ से जमुना पार जिलाध्यक्ष का उपाध्यक्ष बनाया है उसमें हम जिलाध्यक्ष आदरणीय पप्पू निषाद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इन लोगों ने हमको जिम्मेदारी दी है उसको हम बखूबी ईमानदारी से उसको निभाऊंगा और समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। पर्चे बता दीजिए। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा सिद्दीकी की जिला उपाध्यक्ष पार्टी की तरफ से आज जो है आदरणीय जिलाध्यक्ष जमुना पार पप्पू लाल निषाद जी द्वारा सचिव बनाया गया है जिला सचिव। मैं जो है अध्यक्ष जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज जो जिम्मेदारी हमें दिए हैं मैं बूथ स्तर से लेके और जो है प्रदेश में जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हाथ मजबूत करने का काम करूँगा और पूरी अपनी निष्ठा से ईमानदारी से काम करूँगा। 2024 का चुनाव है, किस तरीके से लोगों के बीच में जाए? देखिए 2024 का चुनाव है तो आने वाला समय है, आप जानते हैं यूथ जो हमारे बीच में है, तो यूथ
को एक अलग जगह लाने की कोशिश करेंगे। यूथ में जो आज बेरोजगारी फैली हुई है, आज जो है देख रहे हैं गरीबी और महंगाई कितनी हो गई है, चरम स्तर पे है, तो उस चीज को हम लोगों के बीच में जाएंगे और जन जन तक भाजपा की जो गलत नीतियाँ हैं उनको पहुँचाएंगे कि ये गलत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को, नेताजी की नीतियों को हम उन तक पहुँचा कर 24 में जो है भारतीय जनता पार्टी को उभार करने का काम करेंगे। पर्चा बता दीजिए पूरा। मैं मोहम्मद सलमान शहबाज है, जिला सिंह समाजवादी पार्टी जमुना पार्टी।